हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज का रेसिपी है हरा लहसुन, धनिया पत्ती और इमली की चटनी। और यहाँ पे मैंने लहसुन और इमली और धनिया पत्ती लिया है और 3 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक। हरा लहसुन और धनिया पत्ती की मात्रा 1 होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। और बारी बारी करके सभी चीज़ों को हम जार में रख देंगे पीसने के लिए। और इसमें हम नमक ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें गुड़ या चीनी भी ऐड कर सकते हैं अगर मीठा चटनी खाना है तो, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर चीनी या गुड़ ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चटनी जो है रेडी होता है। और एक बाउल में हम ट्रांसफर कर लेंगे। चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी राई का तेल ऐड करूंगी। आधा चम्मच से भी बहुत कम है मैंने इसमें ऐड किया है राई का तेल। तो चटनी रेडी होता है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप इसे पकोड़े के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।